वन सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखिए ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था ठीक है और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलिकन डाइऑक्साइड के साथ स्टार्ट करेंगे बट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कार्बाइड्स जो कि एन में नहीं दिया गया बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ठीक है कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे कुछ पार्ट इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है देखिए कार्बाइड्स क्या होते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ सम अदर एलिमेंट ठीक है कि कार्बन और कोई और एक एलिमेंट मिलके जो भी बनाएगा उसको जनरली हम कार्बाइड ही बोलेंगे तो ये बाइनरी कंपाउंड है मतलब दो एलिमेंट से मिलके बनने वाले कंपाउंड्स हैं तो कार्बाइड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है पहले होते हैं आयनिक कार्बाइड आयनिक कार्बाइड का मतलब है जहां पर बॉन्डिंग आयनिक है मतलब कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है यह तभी हो पाएगा जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा हो ठीक है तो ये बनते हैं किसके साथ कार्बन प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल ठीक है जब कार्बन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तब बनते हैं आयनिक कार्बाइड क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है ठीक है और तो आयनिक कार्बाइड के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मिथेनाइड्स हैं ठीक है, है? चलिए उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे भी तो आयनिक के बाद दूसरा कार्बाइड क्या होना चाहिए कोवेलेंट ठीक है तो कोवेलेंट कार्बाइड कब बनते हैं जब कार्बन के साथ जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उनका कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है ठीक है और वो जनरली उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स तो कार्बन प्लस मेटल आयनिक कार्बाइड बनाते हैं और कार्बन प्लस नॉन मेटल्स ये बनाते हैं कोवलेंट कार्बाइड्स और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स ठीक है इंटर स्टीशियल कार्बाइड्स ठीक है इनको मेटेलिक कार्बाइड भी बोलते हैं तो ये बनते हैं कार्बन प्लस डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है जब कार्बन डी और एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है अब पहली कैटेगरी हम पढ़ते हैं इसमें से दैट इज आयनिक आयनिक कार्बाइड तो मैंने आपको बताया कि कार्बन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ कंबाइन करेगा अब आयनिक में तीन आपको रिएक्शन इसमें याद रखने हैं ठीक है पहला देखिए कार्बाइड क्या होता है एक बनता है Al4C3 मतलब एल्यूमिनियम और कार्बन के कॉम्बिनेशन से तो इन कार्बाइड का जो हाइड्रोलिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ए एल फोर सी थ्री बारह एच टू के साथ कंबाइन करके फोर ए एल ओ एच थ्राइस प्लस थ्री सी एच फोर बनाता है इंपॉर्टेंट सेकेंड Be2C टू सी बेरिलियम कार्बाइड ठीक है इसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो दो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी एच फोर इसमें भी बनती है तो इन दोनों को ज्वाइंटली कहा जाता है मिथेनाइड्स क्योंकि इनके हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा है सी एच फोर बन रही है ठीक है तो इन कार्बाइड्स को कहा जाता है मिथेनाइड्स ठीक है फिर कुछ कार्बाइड ऐसे होते हैं जैसे सी ए सी टू तो सी ए सी टू का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलता है ये आपने पहले भी पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सी टू एच टू मतलब सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसीटिलीन ठीक है ये मिल गया और एल्यूमिनियम का एक और कार्बाइड है ए एल टू सी टू थ्राइस ठीक है उसके हाइड्रोलिसिस से भी आपको क्या मिलता है एसीटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड सी एच तो क्योंकि ये दोनों एसिटिलीन जनरेट कर रहे हैं इन दोनों को क्या कहा जाएगा एसिटाइलाइड्स ठीक है जो मिथेन बनाने वाले हैं वो मिथेनाइट्स एसिटिलीन बनाने वाले एसिटाइलाइड्स, ओके और एक लास्ट कैटेगरी मैग्नीशियम का अगर हम मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैग्नीशियम का बन जाएगा हाइड्रोक्साइड और बाकी के पार्ट का इसमें बनता है सीएच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड CH एच दैट इज प्रोपाइन ठीक है वट इज इज प्रोपाइन ओके okay, तो इतना क्लियर हो गया अब क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि एम को अगर हम तोड़ते हैं आयंस की फॉर्म में तो ये कैसे बनेगा तो ये बनेंगे दो एम टू पॉजिटिव मतलब चार पॉजिटिव पे टोटल चार्ज हुआ तो सी थ्री पर कितना होना चाहिए फोर नेगेटिव बैलेंस करने के लिए ठीक है ना वैसे सी ए सी टू को तोड़ें तो क्या बनेगा कैल्शियम टू पॉजिटिव और सी टू टू नेगेटिव ठीक है तो इस तरह से आप आयंस की फॉर्मेन को ब्रेक करके समझ सकते हैं कि इनमें क्या क्या बनता है फिर कोवलेंट कार्बाइड्स कोवलेंट कार्बाइड्स के एग्जाम्पल आपको यहीं पर लिख देते हम साथ में नॉन मेटल्स के साथ क्या क्या बनता है सी एच फोर है ठीक है सी ओ टू है देन कार्बन डाइसल्फाइड है ठीक है फिर सिलिकॉन कार्बाइड है बोरोन कार्बाइड है तो ये गए एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट कार्बाइड्स देन इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में ठीक है तो बड़े साइज होने की वजह से मान लीजिए उनके एटम्स काफ़ी बड़े हैं और जब उनके एटम्स उनके लैटिस में इस तरह से अरेंज हैं बीच में ये जो खाली जगह बच जाती है इसमें कार्बन के एटम जाके फिट हो जाते हैं इनको बोलते हैं इंटरस्टीशियल साइट्स तो जब कार्बन इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके ऑक्यूपाई कर लेता है उनको मतलब जनरली होता क्या है कार्बन ऑक्टाइड्रल होल्स ऑक्यूपाई करते हैं ठीक है आप इन डिटेल को कि ऑक्टाइड्रल टेटाइड्रल होल्स कैसे होते हैं ट्वेल्थ में पढ़ोगे डिटेल में सॉलिड स्टेट में तो अभी ये समझ लो कि इसके बीच में ये जो खाली जगह होती हैं ठीक है यहां पर जाके कार्बन ऑक्यूपाई कर लेता है इनको और इससे जो कार्बाइड बनता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड उसका एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड ठीक है टंगस्टन कार्बाइड काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है ओके okay, तो ये एक एग्जाम्पल आप याद रखते हैं दिस इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड अब कोवलेंट कार्बाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट था सिलिकॉन कार्बाइड क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड को हम कहां यूज करते हैं जहां पर भी हमें कटिंग टूल्स बनाने होते हैं ठीक है तो सिलिकॉन कार्बाइड क्योंकि बहुत हार्ड सब्सटेंस है तो कटिंग टूल्स बनाने में या ऐसी चीज़ों में ये टूल मेकिंग में कुछ यूज होता है तो सिलिकॉन कार्बाइड बनाने का तरीका सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ रिड्यूस किया तो सिलिकॉन कार्बाइड प्लस टू कार्बन मोनोऑक्साइड हाई टेम्परेचर बहुत हार्ड है मतलब इसकी हार्डनेस आप डायमंड से कंपेयर कर सकते हो डायमंड से थोड़ा सा कम इसकी हार्डनेस होती है ठीक है एंड इट हैज ए डायमंड लाइक स्ट्रक्चर जैसा डायमंड में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर था जहां पर हर एटम एस पी है तो ये भी वैसा ही है यहां पर भी हर एक एटम एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है ठीक है तो इतना ही याद रखना आपको सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में और इसका कॉमन नेम कार्बोरेंडम होता है ओके तो इतना याद कर सकते हैं अब देखिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ तो इस केस में क्लियरली आपको बैकग्राउंड में जो पिक्चर है वो तो दिखाई दे रही है ठीक है कि क्या बना हुआ है तो ये जो बैकग्राउंड में क्रिस्टल है यही है सिलिका तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलो या सिलिका बोलो एक ही बात है तो 95 फाइव परसेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बेसिकली या तो सिलिका है या सिलिकेट्स हैं ठीक है तो ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या है सिलिकेट्स या सिलिकॉन ठीक है तो सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट और सिलिकॉन किसकी फॉर्म में होगा या तो सिलिका होगा या फिर सिलिकेट्स होंगे अब यह बहुत सारी क्रिस्टलिन फॉर्म्स में मिलता है मतलब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं एक क्वार्ट्स है एक क्रिस्टोबेलाइट है एक ट्राइडिमाइट है ठीक है तो यह आपको याद करने हैं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत सारे क्रिस्टो क्रिस्टेलोग्राफिक ठीक है यह क्या लिखा गया है क्रिस्टेलो ग्राफिक फॉर्म्स में मिलता है जिनमें से तीन मेजर जो है क्वार्ट्स क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडिमाइट ठीक है ये तीन important है इनमें से क्वार्ट्स के बारे में में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि घड़ियां आपने सुनी होंगी क्वार्ट्स तो -SIO2 एक कोवलेंट थ्री 3D नेटवर्क सॉलिड है मतलब ये आपको मैंने स्टार्टिंग में इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों है और SiO2 सिलिका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड क्यों है क्योंकि एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन नीचे एक ऑक्सीजन ox ठीक है नॉट सिलिकॉन, ऑक्सीजन फ्यूज के नीचे एक सिलिकॉन तो चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होके एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है ठीक है इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है तो इस नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से सिलिका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट ठीक है तो स्ट्रक्चर याद रहेगा आपको तो अगर हम एक ये रिंग देखें तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन तीन छ आठ आठ मेंबर का एक रिंग ऐसे और रिंग बनते जाएंगे ठीक है तो कोवलेंट थ्री डी नेटवर्क सॉलिड है ये और क्वार्ट्स जिसकी जो एक क्रिस्टल फॉर्म है क्वार्ट्स इट इज यूज एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल वॉट इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल वो होते हैं जो प्रेशर सेंसिटिव होते हैं थोड़ा सा भी उन पर प्रेशर अप्लाई किया जाए थोड़ा सा जोर लगाया जाए हल्का सा भी तो बहुत स्मॉल मकैनिकल स्ट्रेस को ठीक है या प्रेशर वेरिएशन को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं या अगर उनमें इलेक्ट्रिसिटी उनको थोड़ा सा एक इम्पल्स दिया जाए इलेक्ट्रिकल उससे वो क्या जनरेट करते हैं मूवमेंट ऑसिलेशंस तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल थोड़ा सा उसको स्ट्रेस दिया जाए हल्का सा भी प्रेशर दिया जाए तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ऐसी इनकी प्रॉपर्टी होती है और क्वार्ट्स को वॉचेस जो आप रिस्ट वॉच पहनते हैं ना ठीक है न, तो जो अच्छी क्वालिटी की वॉचेस होती हैं रिस्ट वॉच उनमें क्वार्ट्स यूज किया जाता है छोटी छोटी उनमें जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाती हैं जिससे कि क्वार्ट्स का क्रिस्टल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करता है जिससे घड़ी बिल्कुल ठीक टाइम दिखाती है। कभी ऐसा नहीं है कि एक बजने जाए तो दो बज गए ठीक है तो एक्यूरेट टाइम कीपिंग में क्वार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिर सिलिका की एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है सिलिका जेल तो सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जब भी आप लेदर का सामान लेने जाते हो तो लेदर का आपने शूज़ लिए बेल्ट्स ली उनमें एक साथ में कह पाए ना शूज़ के, शूज के डब्बे में एक छोटा पाउच होता है इसमें छोटी छुट छोटी सी गोलियाँ सी होती हैं ठीक है थीके? ये क्या होता है ये सिलिका जेल होता है ताकि कोई भी मॉइस्चर अगर आए तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि आपका जो लेदर प्रोडक्ट है वो खराब ना हो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स आप खरीदते हैं कभी कभी उनमें भी होता है ठीक है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स को मॉइस्चर खराब ना कर पाए ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो सिलिका जेल इज यूज एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ सपोर्ट तो क्रोमेटोग्राफी जब हम करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी में एज अ सपोर्ट मटीरियल यूज होता है और कुछ कैटलिस्ट में भी यूज होता है और किसेलगर इसकी एक एमरफस फॉर्म है क्रिस्टलिन नहीं है एमरफस फॉर्म है जिसको फिल्ट्रेशन प्लांट्स में यूज किया जाता है तो ये हो गया मेन मेन सिलिका के बारे में अब इसके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं ठीक है देखिए सिलिका इतना सॉलिड होता है कि इस पे नॉर्मल एसिड्स का कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो अगर आप इसको ट्रीट करेंगे भी तो नॉर्मली एसिड या हाइड्रोजन हेलोजन इनका कोई अटैक नॉर्मली होता नहीं है सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करता है पर कुछ एसिड और बेस हैं जिनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है जैसे कि एच एफ तो एच एफ के साथ ये बहुत इजीली रिएक्ट करता है ये बनाता है एस आई एफ फोर प्लस टू एच टू ठीक है एच एफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ग्लास की एचिंग में यूज होता है ठीक है यूज इन द एचिंग ऑफ ग्लास तो सिलिका एच एफ के साथ रिएक्ट करता है पर बाकी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता तो वैसे ही सिलिका क्योंकि एक एसिडिक ऑक्साइड है तो ये बेस के साथ कंबाइन करेगा टू एन एच टू फॉर्म एन ए टू एस आई ओ थ्री सोडियम सिलिकेट प्लस एच टू तो ये दो रिएक्शन आपको याद होने चाहिए एच एफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है और एन ए ओ एच के साथ ठीक है तो इतना याद कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे हम सिलिकॉन्स तो अब स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन्स तो के साथ तो सिलिकॉन्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं अब ये बेसिक फैक्ट आपको बहुत इजीली याद रहेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे सिलिकॉन्स बनते हैं उस प्रोसेस को समझेंगे ठीक है तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए अभी आपको ये पता होना चाहिए तो सिलिकॉन्स होते क्या हैं तो डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं कि दिज आर सिंथेटिक सिलिकॉन ठीक है सिलिकॉन का मतलब इसमें कार्बन और सिलिकॉन का बॉन्ड होगा मतलब ऑर्गेनिक पार्ट भी होगा जिसमें मतलब कार्बन ग्रुप होंगे जैसे अल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका मिथाइल इथाइल ठीक है और सिलिकॉन भी होगा ठीक है तो यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड होंगे तो ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है जिसमें रिपीटेड ये आर टू एस आई ओ आर मतलब आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है अराइल ग्रुप भी हो सकता है तो आर टू एस आई ओ यूनिट बार बार रिपीट होता है और इस यूनिट में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन इसकी लिंकेजेस होती हैं मतलब एक यूनिट और दूसरे यूनिट के बीच में ऑक्सीजन से वो कनेक्टेड होंगे मतलब एक यूनिट की ऑक्सीजन दूसरे के सिलिकॉन के साथ कनेक्टेड होगा तो ये है बॉन्ड जो दो यूनिट्स को आपस में जोड़ता है ठीक है तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज से आर टू एस आई ओ यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आर टू एस आई ओ एन क्योंकि यही यूनिट बार बार रिपीट होगा तो इसके एन यूनिट्स बनेंगे अब ये बनते कैसे हैं दीज आर फॉर्मड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल और अराइल सब्सिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स देखिए क्लोरोसिलेन्स का मतलब उन्होंने फॉर्मूला भी दिया आर एन एस आई सी एल फोर माइनस एन मतलब एन को अगर मैं वन ले लूं तो ये हो जाएगा आर एस आई सी एल थ्री टू ले लूं तो आर टू एस आई सी एल टू थ्री ले लूं तो आर थ्री एस आई सी एल ठीक है और एन को अगर मैं जीरो ले लूं तो एस आई सी एल फोर बन जाएगा ठीक है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एस आई सी एल फोर पर उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये तीन हमारे पास क्लोरो लेंस होगी ठीक है क्या होगी ये क्लोरो सिलेंस क्योंकि सिलिकॉन के साथ आर ग्रुप भी लगा है और क्लोरीन भी लगी हुई है तो आर एस आई सी एल थ्री आर टू एस आई सी एल टू और आर थ्री एस आई सी एल तो इनकी हाइड्रोलिसिस से तो इनके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा एल को रिप्लेस कर देंगे हम ओ एच ग्रुप के साथ और उस ग्रुप की फिर आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है ठीक है तो आप ये नोट कर लेंगे अब देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है ठीक है तो मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में था मिथाइल क्लोराइड ठीक है तो हमने क्या लिया टू सी एच थ्री सी एल चलिए टू सी थ्री सी एल की जगह हम सिर्फ सी एच थ्री सी एल लेते हैं और देखते हैं इससे क्या क्या बन सकता है तो इसको जब हमने ट्रीट किया सिलिकॉन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट एट 573 सेवेंटी थ्री कैल्विन ठीक है तो किसके साथ ट्रीट किया सिलिकॉन के साथ तो सिलिकॉन को चलिए आप एज अ रिएक्टेंट ही लिख लीजिए यहां पे तो सी एच थ्री सी एल प्लस सिलिकॉन कॉपर एट फाइव सेवेंटी थ्री कैल्विन तो ये मल्टीपल क्लोरोसिलेन्स बनाता है जैसे कि ये सी एच थ्री एस आई सी एल थ्री बनाएगा कुछ अमाउंट में ये सी एच थ्री ट्वाइस मतलब आर टू आर टू एस आई सी एल टू बनाएगा कुछ अमाउंट में ये आर थ्री मतलब सी एस थ्री थ्राइस एस आई सी एल प्लस स्मॉल अमाउंट में सी si, एस थ्री फोर एस आई ठीक है ये थोड़ा बहुत कम अमाउंट में बनता है तो इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका रिएक्शन में कोई ज्यादा रोल नहीं है ठीक है तो ये बन गए आपके क्या बने ये सब ये बन गए क्लोरोसिलेन्स ठीक है तो आपने सिंपल अल्काइल क्लोराइड को सिलिकॉन से ट्रीट किया कॉपर और 573 केल्विन पे तो आपके पास ये मिल गए सारे के सारे ठीक है अगर हम इसको छोड़ दें तो ये बाकी सारे क्या हैं ये तीन हैं क्लोरोसिलेंस ठीक है क्लोरो तो क्लोरोसिलेंस आ गए अब क्या कहा गया है फॉर्मड बाय हाइड्रोलिसिस अब इन क्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलिसिस करना है ठीक है अब हाइड्रोलिसिस से देखिए मल्टीपल ऑप्शन है बहुत कुछ बन सकता है तो आ, पहली ऑप्शन लिखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ आर टू si एस आई सी एल टू ठीक है तो अगर हम आर टू एस आई सी एल टू का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा तो मान लीजिए हमारे पास यहां पे यह सी एच थ्री ट्वाइस एस आई सी एल टू है दो क्लोरीन है अब हाइड्रोलिसिस से मतलब दो वाटर मॉलिकूल से ट्रीट करेंगे आप तो दो एच सी एल निकल जाएंगे और दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे ओ एच ग्रुप के साथ ठीक है तो यहां पर भी एक ओ एच ग्रुप यहां पर भी एक ओ एच ग्रुप अब इनके आगे क्या होगा पॉलीमराइजेशन तो पॉलीमराइजेशन देखो कैसे करनी है सिलिकॉन को रखना है बीच में वर्टिकल लाइन में आप ड्रॉ कर दो दो अल्काइल ग्रुप को दोनों आर ग्रुप हैं लेफ्ट में भी एक ओ रख दिया ठीक है और राइट में भी एक ओ ग्रुप रख दिया ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर भी हम ले सकते हैं ठीक है तो ये एक और स्ट्रक्चर आ गया देन ये एक और स्ट्रक्चर ले लिया हमने तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट करेंगे कैसे करेंगे देखो अब इनकी जब पॉलीमराइजेशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो दो स्ट्रक्चर से एक ही वाटर हमने निकाल दिया ठीक है इससे H अगले से OH फिर इससे H अगले से OH तो इस तरह से आप वाटर मॉलिक्यूल लगातार निकाल सकते हो तो इससे माइनस एच टू ओम करेंगे तो ये आपस में पॉलीमराइज कर जाएंगे अब ये जो पॉलीमराइजेशन है ये कैसी हो रही है लीनियर हो रही है क्योंकि ऊपर की तरफ तो सी एच थ्री लगे हैं ठीक है सिर्फ एक्स एक्सिस में हॉर्जोनटल लाइन में दोनों तरफ ओ OH एच लगे हैं तो ये दोनों तरफ ही यहां से पॉलीमराइजेशन चलती रहेगी तो इस पॉलीमराइजेशन से फाइनली हमें क्या मिलेगा ठीक है सिलिकॉन यहां पर दोनों ऊपर नीचे आर ग्रुप लेफ्ट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आगे फिर से क्या होगा सिलिकॉन कनेक्टेड होगा ठीक है यहाँ पर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर दो आर ग्रुप फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर दो आर ग्रुप ठीक है तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं हम एक क्या मिल रहा है हमें लॉन्ग चेन पॉलीमर ठीक है लॉन्ग चेन यहां पर पॉलीमर हमें इससे मिल रहा है किससे आर टू एस आई सी एल टू की हाइड्रोलिसिस और उसके बाद पॉलीमराइजेशन से अब इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स है रिपीटेड यूनिट क्या लिखे थे हमने आर टू एस आई ओ रिपीटेड यूनिट है तो देखिए आर टू एस आई ओ ठीक है तो इस यूनिट को हम बोल सकते हैं ये रिपीट हो रहा है क्योंकि फिर से आर टू एस आई ओ ये रिपीट हो रहा है ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं रिपीटेड आर टू एस आई ओ ओके तो जब बार बार ये रिपीट होता जाएगा तो आप इसको एन भी लिख सकते हो यहां पे कि आर टू एस आई ओ तो ये बेसिकली क्या है सिलिकॉन आर आर ओ इसके रिपीटिशन है ठीक है यहां पर ये ग्रुप बार बार रिपीट होता जाएगा तो ये एक लीनियर लॉन्ग चेन पॉलीमर बना रहा है लीनियर ठीक है ना तो क्या हमने किया हमने हाइड्रोलिसिस किया आर टू एस आई सी एल टू का अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आर थ्री एस आई सी एल का करते हैं ठीक है अब नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आर थ्री एस आई सी एल तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर एक ही क्लोरीन है तो हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा एच सी एल निकल जाएगा और उस क्लोरीन की जगह पे लग जाता है एच OH ग्रुप अब ओ OH एच तो इसमें एक ही तरफ लग रहा है मतलब अगर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं ठीक है मान लीजिए ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ये ओ OH. एच और ऐसा ही मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया ठीक है इन दोनों को आमने सामने रख दिया अब क्या इसमें लॉन्ग चेन पॉलीमर बन सकता है ठीक है इसको देख के बताओ क्या हम किसी भी तरफ चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो क्या पॉलीमराइजेशन लॉन्ग चेन बना पाएगी तो आप बोलेंगे कि नहीं बना सकती क्यों क्योंकि तीन तरफ तो आर ग्रुप ऑलरेडी कनेक्टेड है सिर्फ एक साइड ओ एच ग्रुप लगा है तो हम बोल सकते हैं इसका ओ एच और इसका एच हमने रिमूव कर दिया तो यहां पर वॉटर के रिमूवल से क्या बन रहा है एक सिंपल डाइमर बन रहा है ठीक है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो यह तो क्लियर है कि जब भी दो सिलिकॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे एस आई ओ एस आई उनमें लिंकेज कौन सी होगी ये एस आई ओ एस आई इस लिंकेज के थ्रू ही दो यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो ये सिंपल क्या बनाए डाइमर। तो आप बोल कि जब एक क्लोरीन होगा तो इसमें भी एक ओ OH आ जाएगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी ओ OH आएगा सिर्फ एक ही तरफ से बॉन्डिंग हो पाएगी तो डायमर बनेगा जब दोनों तरफ क्लोरीन होंगे तो दोनों तरफ ओ OH आएंगे तो दोनों तरफ पॉलिमराइजेशन चलती रहेगी ठीक है अब थर्ड एग्जाम्पल आपको खुद सोचना है कि अगर हमारे पास तीन क्लोरीन ग्रुप्स लगे हों ठीक है अगर हम करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आर एस आई सी एल थ्री तब क्या होगा ठीक है तो आप एक मिनट का पॉज लेके अब इस पर सोच के इसको रिएक्शन को लिखो ठीक है कि क्या होगा इस रिएक्शन में और किस तरह का पॉलीमर या कुछ भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद ठीक है तो आपने ट्राई कर लिया होगा तो अब देखते हैं कि आर एस आई सी एल थ्री से यहां पर तीन क्लोरीन हमारे पास हैं तो पहले हाइड्रोलिसिस में तीन वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे और क्या निकलेगा थ्री एच सी एल ठीक है तो सिलिकॉन के साथ इन तीनों पोजीशन पे ओ एच ग्रुप अटैच हो जाएगा तो अब अगर इसकी पॉलीमराइजेशन हमें करनी हो तो कैसी होगी सिलिकॉन के साथ एक आर है तो इसको मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं बाकी तीनों तरफ ओ एच ग्रुप लगे हुए हैं ओके फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहां पर एक सिलिकॉन यहाँ एक आर यहाँ पर ओ एच ग्रुप लगा है इस तरफ भी ओ एच ग्रुप लगा है और नीचे की तरफ भी ओ एच ग्रुप लगा है ठीक है इसके आगे भी वो चलता रहेगा और अब क्योंकि ओ एच तीन डायरेक्शन में लगा हुआ है तो उसके नीचे वाले भी तो हो सकते हैं ना ठीक है इस तरह से यहाँ पर सिलिकॉन के साथ आर लगा होगा इस तरफ ओ एच लगा होगा फिर एक सिलिकॉन के साथ ओ एच और यहाँ पे आर ग्रुप अब इसमें क्या करना है यहाँ से एक H2 निकाल दिया आपने ठीक है फिर यहाँ से एक जिससे OH, एच यहाँ से एक एच निकाल दिया फिर यहाँ से आपने एक एच निकाल दिया फिर यहाँ से एक एच निकाल दिया तो फाइनली आपस में कैसे जुड़ते जाएंगे ये क्रॉस लिंक ठीक है ये यहाँ पर नेटवर्क सा बन गया तो इस नेटवर्क को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा ड्रॉ कर सकते हैं क्या कि किस तरह का नेटवर्क यहां पे दिख रहा है तो इससे अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा नेटवर्क ऑक्सीजन सिलिकॉन आर ग्रुप फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर आर ग्रुप फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर आर ग्रुप तो इस तरह का चेन आगे चलती जाएगी नीचे की तरफ ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, फिर यहां पर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन तो ये तीनों डायमेंशन में आपस में कनेक्टेड होंगे क्या क्या तीनों डायमेंशन में होंगे या इन दो डायमेंशन में होंगे मतलब प्लेन में कनेक्टेड होंगे या थ्री में होंगे तो यहां पर हमें दिख रहा है कि ये एक प्लेन में कनेक्टेड है ओके तो यहां पर जो ये कंपाउंड बन रहा है या जो पॉलीमर ये बन रहा है इसको कहते हैं इट्स अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ठीक है hmm. क्रॉस लिंक का मतलब है यहां पर अगर हम देखें तो एक क्रॉस में आपस में लिंक्ड हुआ है लेफ्ट में भी राइट right में भी नीचे की तरफ भी हाँ ऊपर की तरफ नहीं है तो मतलब ये आर ग्रुप इसको ऊपर की तरफ इसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगा तो इसी तरह से ये चेन आगे चलती रहेगी तो ये रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर इसमें बनते जाएंगे तो ये आपको याद रखना है कि जब तीन क्लोरीन थे ठीक है आर एस आई सी एल थ्री तो तीन ओ OH एच लगे तो लिंक पॉलीमर मिला जब एक क्लोरीन था तो एक ओएच OH लगा डाइमर मिला जब दो क्लोरीन थे तो दो तरफ ओ OH एच लगे और लॉन्ग चेन पॉलीमर मिला अब बात यह है कि ये जो पॉलीमराइजेशन है ये तो चलती ही रहेगी तो इस पॉलीमराइजेशन को रोकना भी तो पड़ेगा ना तो अगर आप इस पॉलीमराइजेशन को रोकना चाहते हैं ठीक है कि थोड़ी देर बाद ये जो चेन बन रही है ये रुक जाए तो क्या करना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन हो क्यों रही है तो पॉलीमराइजेशन होने का रीजन ये है कि दोनों तरफ ओ एच ग्रुप लग रहे हैं इसलिए वो जुड़ते जा रहे हैं अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर इसमें इंट्रोड्यूस कर दूं जिसमें दोनों तरफ ओ OH एच ना हो एक ही तरफ हो ठीक है मतलब इस ग्रुप के आगे अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं मान लीजिए एच ओ एस आई इधर भी आर इधर भी आर इधर भी आर अब इसमें क्या होगा यहीं पे पॉलिनाइजेशन होगी यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल के ये कनेक्ट होगा अब राइट में कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि राइट में आर आ गया दिस तो इज यूज एज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप ठीक है तो आप लिख इन केस में ठीक है आर टू एस आई सी एल टू की बात कर रहा हूं मैं चेन लेंथ Of polymer can be controlled by adding आर थ्री एस ठीक है तो ये इस तरह से चेन को एंड कर देगा तो ये यहां से कनेक्ट हो जाएगी और ये एक एंड पे रुक जाएगा ओके तो ये हम कर सकते हैं कि चेन एंडिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि चेन एंडिंग किस तरह से की जाती है अब देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सिलिकॉन्स हमने पढ़े इन सिलिकॉन्स का फायदा कहा होगा आपने आजकल कभी कभी एड भी देखी होगी टीवी पे कि सिलिकॉन्स वाले पेंट्स आ रहे हैं वाटर रिपेलिंग पेंट्स हैं ठीक है अब जो अल्काइल ग्रुप है आर ग्रुप ये आर ग्रुप होता कैसा है इट इज हाइड्रोफोबिक ठीक है हाइड्रोफोबिक हाइड्रो मीन्स वाटर फोबिक मीन्स हेटिंग वाटर को ये पसंद नहीं करता ठीक है तो आप इसको वाटर रिपेलिंग भी बोल सकते हैं तो क्योंकि इन सिलिकॉन्स में जो बाहर की तरफ है ऊपर की तरफ भी आर ग्रुप है नीचे की तरफ भी आर ग्रुप है तो बाउंड्री पे हाइड्रोकार्बन की लेयर है ठीक है तो हाइड्रोकार्बन की लेयर होने की वजह से सिलिकॉन्स वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन लेयर अलोंग द सिलिकॉन ऑक्सीजन चेन मेक्स सिलिकॉन्स वाटर रिपेलेंट ठीक है तो अगर आप इसको किसी ऐसी जगह यूज करना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि पानी इसके साथ ना लगे मतलब पानी कोई कोई, -कोई चीज़ रिपेल करे तो वहां पर आप सिलिकॉन्स की कोटिंग कर सकते हैं ठीक है तो वाटर रिपेलेंट होने की वजह से इनके भी काफ़ी एप्लीकेशन बढ़ जाती हैं ओके अब नेक्स्ट थिंग अब इसके क्या क्या यूजेज हैं तो यूजेज को एक बार हम क्विकली समराइज कर लेते हैं ठीक है आपको याद ही करना है तो देखिए इनके यूजेस की बात करें तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इनको यूज किया जाता है एक तो केमिकल इनर्टनेस है ठीक है केमिकली आपस में या दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते जल्दी सेकेंड इज वाटर रिपेलिंग है ठीक है पानी के साथ मिक्स नहीं होंगे तो वाटर रिपेलिंग है प्लस हीट रेजिस्टेंट है हीट को कंडक्ट नहीं करते और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं इनकी वजह से इनको कहां कहां यूज किया जाता है वो देख लेते हैं तो पहला चीज कि इनको यूज किया जाएगा एज ए सीलेंट ठीक है सीलेंट एज ए ग्रीस ठीक है और जहां पर भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी चाहिए हमें तो वहां पर एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी चाहिए होते हैं और वाटर प्रूफिंग किसकी ऑफ फैब्रिक्स मतलब आपके कपड़ों पे अगर हम सिलिकॉन्स का एक लेयर चढ़ा दें तो कपड़े आपके क्या हो जाएंगे वाटरप्रूफ ठीक है एक तो ये हो गया सेकंड बीइंग बायो कंपैटिबल ठीक है बीइंग बायो कंपैटिबल दे आर ऑल्सो यूज इन सर्जिकल इम्प्लांट्स ठीक है सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स मतलब इनको बॉडी के अंदर भी इम्प्लांट किया जा सकता है ठीक है आप कई बार न्यूज सुनते होंगे कि कुछ एक्ट्रेसिज हैं जिन्होंने अब्रॉड जाके या कहीं पर भी इम्प्लांट्स करवाए हैं ठीक है या जो सर्जिकल सर्जरीज होती हैं आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है तो वहाँ पर आप सिलिकॉन के बने हुए कंपाउंड्स को या पार्ट्स को यूज़ कर सकते हो ठीक है आर्टिफिशियल हार्ट है तो उसके कुछ पार्ट्स हो सकता है कि इससे बनाए जाते हो तो बायोकम्पैटिबल होने की वजह से सर्जरी में कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट डालना है तो हम सिलिकॉन्स को यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आई गेस इतने यूजेस काफ़ी हैं और ये जो सीलेंट और ग्रीसिस वाला है कभी भी अगर आप जाएंगे गाड़ी की सर्विसिंग कराने आप जाते हैं तो जब भी वहां पर वो सर्विसिंग करते हैं तो ग्रीस लगाते हैं तो ग्रीस से बेटर होता है सिलिकॉन क्योंकि सिलिकॉन उस एरिया में पानी को भी एंटर नहीं करने देगा ठीक है क्योंकि वाटर रिपेलेंट होता है और सीलिंग बहुत अच्छी करता है ठीक है ना वाटर को आने देगा ना एयर को पास करने देगा तो एज अ सीलेंट इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है तो आप ये देख सकते हैं जब भी अगर आप सर्विसिंग करवाने जा रहे हैं बाइक्स की कार्स की किसी भी मशीनरी में ठीक है तो मशीनरी में सिलिकॉन बहुत अच्छे सीलेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं ठीक है तो दैट इज ऑल अबाउट द सिलिकॉन अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सिली सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलिकॉन्स तक का सिलेबस डिस्कस किया था तो अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद सिलिकेट्स देखिए सिलिकेट्स क्या होते हैं दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ठीक है जिसमें कुछ और एलिमेंट्स भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं पर मेनली सिलिकॉन और ऑक्सीजन ही यहां पर स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं ठीक है तो सिलिकेट्स का जो एक कॉमन रिपीटिंग यूनिट है दैट इज एस आई ओ फोर फोर नेगेटिव ठीक है तो आप बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो SiO4 फोर फोर नेगेटिव है तो बहुत सारे सिलिकेट मिनरल्स नेचर में मिलते हैं ठीक है कि नेचर में हमें पता है कि सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो सिलिकॉन किस फॉर्म में होगा जनरली सिलिकॉन सिलिकेट्स और सिलिका की फॉर्म में होता है तो सिलिका तो हमने पढ़ लिया एस टू अब सिलिकेट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं जैसे आपको मिलता है ये फेल्डस्पार जियोलाइट्स ये सभी मिनरल्स के नाम मैं ले रहा हूँ माइका और एस्बेस्टस ठीक है तो ये आप नाम याद रख सकते हैं कि ये सिलिकेट्स के मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो एस आई ओ फोर फोर नेगेटिव है उसमें सिलिकॉन सेंटर पे होता है और चार ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में अटैच्ड होती हैं ठीक है और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है ठीक है सिलिकॉन चार कॉर्नर्स पे चार ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है अब सिलिकेट बनाने में क्या होता है कि जो एस फोर फोर नेगेटिव है ये अकेला भी हो सकता है सिलिकेट्स में ठीक है कि अकेला SiO4 फोर फोर नेगेटिव ही है या ऐसे एस आई ओ फोर फोर नेगेटिव के बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिलके पॉलीमराइज़ भी कर सकते हैं और लार्जर यूनिट्स बना सकते हैं तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है इट इज बाय शेयरिंग कॉर्नर्स ठीक है कॉर्नर्स क्या है ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्सीजन की शेयरिंग करने से ये आपस में बड़े यूनिट्स बनाते हैं तो अब यूनिट कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि एक ऑक्सीजन शेयर हो रही है या दो हो रही हैं या तीन हो रही हैं ठीक है तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है या वर्ड ऑर्थोसिलिकेट भी आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा तो ऑर्थोसिलिकेट्स का मतलब है कि सिंपल जो सिंपल SiO4 फोर फोर नेगेटिव ही उनमें होता है तो दे कैंटेन SiO4 फोर फोर नेगेटिव डिस्क्रीट यूनिट्स सिर्फ यह अकेला होगा ठीक है अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं देखिए सिलिकॉन को जो टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है ये आपका जो डॉट है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है और मतलब ये है कि अगर आप ऊपर से देखेंगे बिल्कुल टॉप पॉइंट से यहां से टॉप से आपको पहले क्या देखेगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नीचे लगा होगा सिलिकॉन ठीक है या आप मान लीजिए आप इस साइड से देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम से तो बॉटम से देखने पे क्या होगा सिलिकॉन तो आपको दिखेगा बीच में और तीन कॉर्नर्स पे ट्रायंगल की तरह ऑक्सीजन लगी हुई होगी और सिलिकॉन के बिल्कुल पीछे होगा ऑक्सीजन तो मान लीजिए आप नीचे से देख रहे हैं सिलिकॉन आपको ये दिख रहा है डॉट उसके पीछे जो ऑक्सीजन है उसको मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया और तीन कॉर्नर्स पे ठीक है तीन कॉर्नर्स पे ऑक्सीजन लगी होगी ओ नेगेटिव और इस ऑक्सीजन को थोड़ा छोटा बना देते हैं हम ड्रॉ करते हैं ठीक है ये एक ऑक्सीजन होगी ये दूसरी ऑक्सीजन ये थर्ड और ये फोर्थ तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये है एस आई ओ फोर फोर नेगेटिव का एक और स्ट्रक्चर जहां पर डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन को और ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को ठीक है तो ऑर्थोसिलिकेट्स में सिंपल SiO4- फोर फोर नेगेटिव यूनिट्स होते हैं फिर आता है हमारे पास पायरोसिलिकेट पायरोसिलिकेट में क्या होता है दो यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एक ऑक्सीजन शेयर करते हैं वन ऑक्सीजन कॉर्नर इज शेयर्ड ठीक है बिटवीन टू यूनिट्स कौन से यूनिट्स SiO4, फोर फोर नेगेटिव तो देखिए ये हो गया ये ऑक्सीजन उन्होंने शेयर कर ली ठीक है मतलब ये ऑक्सीजन दोनों की होगी अब बाकी के तीन स्ट्रक्चर बना दो यहां पर एक ओ नेगेटिव होगा यहां पर एक ओ नेगेटिव होगा इसमें भी यहां पर एक ओ नेगेटिव यहां पर एक ओ नेगेटिव ठीक है तो स्ट्रक्चर कंप्लीट करें तो ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट और दोनों आपस में शेयरिंग की हुई है एक कॉर्नर शेयर है तो जब एक कॉर्नर शेयर होता है तो उसको बोलते हैं पायरो सिलिकेट फिर उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट्स भी होते हैं ठीक है क्या होते हैं हमारे पास साइक्लिक सिलिकेट्स अब साइकिल जैसा बनाने के लिए हमें दो कॉर्नर शेयर करने पड़ते हैं ठीक है तो हम बोलते हैं कि टू ऑक्सीजन कॉर्नर्स आर शेयर्ड पर टेट्रा हिड्रन मतलब एक एस आईओ फोर फोर नेगेटिव जो है वो दो ऑक्सीजन कॉर्नर अपने शेयर कर रहा है ठीक है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं जैसे देखिए यहां पर हम तीन ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया ये दूसरा ट्रायंगल हो गया और उससे भी आई गेस बेटर रहेगा कि अगर एक हम बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करें ठीक है ये आपने बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ किया अब इसको सिंपली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ठीक है कुछ ऐसे तो ये आपने बना दिया अब क्या करना है जो सेंटर होंगे जैसे यहां पर एक सेंटर है यहां पर एक सेंटर है यहां पर एक सेंटर है ये सिलिकॉन हो गए सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन आ गई एक ऑक्सीजन यहां पे आ गई एक ऑक्सीजन यहां पे है एक ऑक्सीजन यहां पे है वैसे इस सिलिकॉन के लिए एक ऑक्सीजन इसके ऊपर है एक यहां है एक यहां है इस सिलिकॉन के लिए एक ऑक्सीजन ये दूसरी ऑक्सीजन तो अगर मैं एक एस की बात करूँ ये एक एस यूनिट है तो दो कॉर्नर शेयर हो रहे हैं इस दूसरे के भी दो कॉर्नर शेयर हैं तो सबके दो दो कॉर्नर आपस में शेयर हो रहे हैं ठीक तो है तो बाकी जो मेन कनेक्शन है वो तो ऐसे है ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कनेक्टेड है तो ये है मेन कनेक्शन ठीक है अब इसके बाद जो ये व्हाइट वाले पार्ट्स हैं आप डिलीट कर सकते हैं ओके तो ये बन गया आपके पास तो दो कॉर्नर शेयर हो रहे हैं तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये एक साइक्लिक सिलिकेट है और भी बड़े साइकिल बन सकते हैं तो मतलब साइक्लिक सिलिकेट में कितनी ऑक्सीजन शेयर हो रही है पर टेट्राहीड्रन दो ऑक्सीजन फिर इसी तरह से चेन सिलिकेट बनते हैं ठीक है उसमें टू डायमेंशन चेन होती है फिर थ्री डायमेंशनल सिलिकेट्स बनते हैं तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप एक शेयर कर रहे हो दो शेयर कर रहे हो या तीन शेयर कर रहे हो उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट सिलीकेट्स बनते हैं तो उसमें अगर हम एक पॉइंट याद रखना है तो आप ये बोलते हो कि इफ ऑल फोर कॉर्नर्स ठीक है सारे के सारे कॉर्नर अगर शेयर होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा टू डायमेंशन बनेगा या थ्री डी बनेगा तो देखिए टैट्राहीड्रन में चारों ऑक्सीजन एक प्लेन में तो होती नहीं है ऑलरेडी वो थ्री डायमेंशनल है तो उसको अगर आप चारों कॉर्नर को शेयर करोगे तो जो आपकी चेन है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में बढ़ेगी तो इफ ऑल फोर कॉर्नर्स आर शेयर्ड ठीक है देन थ्री डी नेटवर्क इज फॉर्म्ड ठीक है थ्री डी नेटवर्क बनेगा और ये जो थ्री डी नेटवर्क हैं इनके अगर हमने कॉमन एग्जाम्पल लिखने हो तो आप बोल हैं क्वार्ट्स जो हमने पढ़ा था क्वार्ट्स ये एक थ्री डी नेटवर्क बनता है ट्राइडी ये भी एक थ्री डी नेटवर्क है देन क्रिस्टोबेलाइट फेल्ड स्पार और जियो ठीक है और भी एग्जाम्पल हैं तो ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जहां पर थ्री डी नेटवर्क बन रहा है अब नेक्स्ट बात करते हैं जियो की ठीक है ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का तो जियो अब जियो क्या होते हैं तो जियोलाइट अभी हमने पढ़ा कि ये थ्री नेटवर्क होते हैं सिलिकेट्स के तो मतलब होते हैं ये सिलिकेट्स हैं पर इनमें थ्री नेटवर्क होता है तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में ये जा रहे हैं ठीक है ये बीच में गैप है गैप के चारों तरफ मतलब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है तो ये गैप भी बहुत काम के हैं ठीक है आप पढ़ेंगे ये एग्जाम्पल है जेड एस एम फाइव का ठीक है एक पर्टिकुलर टाइप है जियोलाइट की ये उसका एग्जाम्पल है तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग और आइसोमराइजेशन के लिए ठीक है तो जिओलाइट्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में होता क्या है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था एस आईओ टू एस आई ओ टू के थ्री डी स्ट्रक्चर में अगर कुछ एल्यूमिनियम घुसा दिए जाए सिलिकॉन की जगह ठीक है तो लिखें कि इफ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस सिलिकॉन एटम्स ठीक है सारे नहीं कुछ ठीक है और रिप्लेस आप बोलते हो फ्यू सिलिकॉन एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन थ्री डी नेटवर्क स्ट्रक्चर ठीक है इन थ्री डी नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ गेट एल्यूमिनोसिलीकेट्स ठीक है देन वी गेट एल्यूमिनो सिलीकेट्स इन एल्यूमिनो सिलिकेट्स को कहते हैं जियोलाइट्स ठीक है इन जियोलाइट्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ कैटाइन लगाते हैं तो दीज एल्यूमिनो सिलीकेट्स कंटेन नेगेटिव चार्ज विच इज बैलेंस्ड बाय अ कैटाइन ठीक है कौन सा कैटाइन यूज कर सकते हैं मान लीजिए आप एन ए पॉजिटिव यूज कर लें के पॉजिटिव कैल्शियम टू पॉजिटिव ठीक है तो ये कैटाइन इसको बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं तो यही है जियो ओके तो जियोलाइट का एक कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि एनसीआरटी में दिया गया है दैट इज फेल्ड स्पार दूसरा एग्जाम्पल आप बोलते हैं जेड एस तो जेड एस एम फाइव एज अ कैटलिस्ट यूज होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ठीक है इंपॉर्टेंट है और जियोलाइट्स वाटर को सॉफ्ट करने हार्ड वाटर आपने देखा होगा घर में जिसके साथ झाग नहीं बनता तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो सॉफ्टनर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है आयन एक्सचेंजर्स तो आयन एक्सचेंजर जो मेथड है वो सॉफ्टनिंग करता है जियोलाइट को यूज करके तो जियो आर यूज इन आयन एक्सचेंजर्स ठीक है टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए आयन एक्सचेंजर्स में जियोलाइट यूज किए जाते हैं तो इतनी सी कहानी आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं तो दैट कंप्लीट अवर चैप्टर ग्रुप नंबर फोर्टीन तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कुछ पुराने क्वेश्चंस ठीक है क्विक रिव्यू में आपको क्या क्या भूल गया है देन उसके बाद आपको कॉल सॉल्व करना है एन -E की एक्सरसाइज और उसके बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ओके सो दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू हैवे नाइस डे